हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप चलाना सीख रहे हैं गाड़ी राहुल भाई के साथ। तो चलिए आज हम फाइनली बात करेंगे एमजी ग्लोस्टर की और जानेंगे इसके। चलिए दोस्तों, आज हम एमजी ग्लोस्टर ऑटोमेटिक चलाना सीख रहे हैं राहुल भाई के साथ। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये है एक्सीलेटर और ये है ब्रेक, ठीक है। इसी के अंदर हमें क्लच मिल जाता है, ठीक है, यानी कि 2-in-1 इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये दोनों काम करेगा, जो हमारे एक्सीलेटर है ये क्लच का भी काम करेगा और ब्रेक का भी, ठीक है। तो चलिए इसके ये मैंने दोनों आपको दिखा दिए हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है स्टार्ट बटन, ठीक है। इसी से हम इंजन को स्टार्ट करेंगे, इसी से बंद करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको घेर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है घेर, ठीक है, घेर लीवर। तो अभी अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये आप आर देख रहे हैं, ये है रिवर्स, ठीक है। और ये जो एन दिखाई दे रहा है ये है न्यूट्रल, ठीक है। ये है डी, यानी कि अगर हम डी मोड में ले आएंगे तो सारे घेर हमारे ऑटोमेटिक लगेंगे, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, पी जो बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये है अपना पार्किंग मोड, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी को स्टार्ट करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपको एक्सीलेटर और ब्रेक दिखाई दे रहा है तो हमें इनमें से ब्रेक को दबाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं दबा देता हूँ इसको। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दबा दिया है ब्रेक को, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये नंबर वन हमने ब्रेक दबाया है और नंबर टू हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, नंबर टू हमें ये बटन को दबाना है, ठीक है। तो बटन जैसे ही हम दबाएंगे गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं दिखा देता हूँ, देखिए गाड़ी हमारी हो गई है स्टार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें तीसरा नंबर याद रखना है, क्या करना है, गियर लीवर की तरफ चलेंगे हम। ये देखिए, ये है गियर लीवर, ठीक है। इसके साइड में ये बटन दिया है, ठीक है। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा इस तरह से और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की साइड करूंगा, ये देखिए इसमें लाइट जल गई, ठीक है। तो यानी कि हमारी ये डी मोड में आ गई। एक तो हमें यहाँ पे सिग्नल देगी ये कि हमारी डी मोड में है, ठीक है। और एक सिग्नल हमें स्क्रीन पे देगी, ये देखिए एक सिग्नल हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, डी फर्स्ट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट गियर में हमारी अभी इस वक्त रेडी है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक आठ गियर है इसमें, और आठ के आठ गियर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा आपको चलाना दिखाता हूँ, इसको चलाया कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे मैंने ब्रेक को दबाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ूंगा, ठीक है, तो गाड़ी हमारी चलने लगेगी, देख रहे हैं। अब मैं इसको ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ूंगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। मैंने गियर को ब्रेक को छोड़ना स्टार्ट किया और गाड़ी हमारी चलने लगी, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हैं आप, ये गाड़ी हमारी चल रही है, ठीक है। अब हम इसको कैसे रोकेंगे, ये देखिए मैंने अभी छोड़ रखा है तो गाड़ी हमारी चल रही है। तो अब मैं इसको धीरे से ये ब्रेक दबाऊंगा, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने ब्रेक दबाया और गाड़ी हमारी रुक गई, ठीक है। अब जैसे हमने गाड़ी को रोक लिया है ब्रेक दबा के, ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डी मोड में है अभी हमारी गाड़ी, ठीक है। तो अब हमें इसमें से गियर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैनुअल गाड़ी में निकालते हैं, भाई गियर निकालो तो गाड़ी बंद करो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। हम डायरेक्टली इसको बंद करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारी पार्किंग मोड में आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मैंने बटन दबाया जहाँ ग्रीन लाइट जल रही है, इससे हम इंजन को ऑफ कर देंगे, ये मैंने दबाया, ठीक है। और ये देखिए लाइट हमारी पार्किंग मोड में आ गई है, ठीक है। तो ये अब ऑटोमेटिकली हमारी न्यूट्रल हो गई है गाड़ी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, सबसे पहले हम ब्रेक दबाएंगे, ठीक है, दूसरा हम ये इंजन वाला इंजन स्टार्ट का बटन दबाएंगे, गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट, तीसरा हम गियर को साइड से बटन दबाकर नीचे की साइड करेंगे तो ये हमारा आ गया डी मोड में, यानी कि गियर फर्स्ट डल गया है इसमें, हम आगे की तरफ चलेंगे। अब हमें इसको न्यूट्रल करना अगर यहीं पर, तो हम ये पार्किंग मोड
पार्किंग मोड दबा देंगे तो यानी कि हमारी ये न्यूट्रल हो गई, पार्किंग मोड में चली गई है, पार्किंग मोड में, ठीक है। तो हमें फिर से देखिए ब्रेक दबाना है इस तरह से, और फिर ये साइड से बटन दबाना, और इसको फिर हम डी मोड में ले आएंगे। अगर अब हम इसको न्यूट्रल करनी है तो ए, ये देखिए ये हमारी न्यूट्रल हो गई, और एक बार हम और फिर इसको करेंगे तो हमारा रिवर्स गियर लग गया है। और देखिए हमारा ये बैक कैमरा भी दिखाता है, ठीक है, रिवर्स गियर में हमें बैक साइड जो कैमरा मिला है वो रेडी हो जाता है बैक गियर डालने पर, ठीक है दोस्तों। तो जैसा आप देख रहे हैं, और मैंने बैक गियर लगाया हुआ है अभी, और अभी मैं इसको न्यूट्रल करता हूँ। ये देखिए ये न्यूट्रल हो गई है और ये डी मोड में आ गई है, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली बंद कर देंगे तो ये पार्किंग मोड में चली, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने फिर से बटन दबाया, गाड़ी हमारी ऑफ हो गई और ये ऑटोमेटिक पार्किंग मोड में चली गई है, ठीक है दोस्तों। आज हमने गाड़ी को चलाना सीखा राहुल भाई के साथ, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए ये हमें इसमें 7 ऑप्शन मिल जाते हैं इसको गाड़ी चलाने के लिए। ये जैसे कि इको मोड दिया है इसमें, स्पोर्ट मोड दिया है, ऑटो होल्ड दिया है, रोक साउंड, मतलब ये जो आपको ये 7 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, ये ऑटो का है। तो हमें इसे ऑटो में करके चला सकते हैं, इको में, जो भी आपको ऑप्शन कंफर्टेबल लगे उसी में आप चला सकते हैं। अगर इसको ऑटोमेटिक में चलाएंगे ऑटो में करके, तो इसका जो ये अपना आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी, जितनी भी इसको पावर चाहिएगी अपना आप एडजस्ट कर लेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ इसके इंजन की हॉर्स पावर की। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो है 199.60, यानी कि 1996 सीसी का इसमें इंजन है। और दूसरा हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिली है वो मिली है 75.0 लीटर्स, ठीक है, यानी कि 75 लीटर का इसमें हमें डीजल टैंक मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें मेरे साथ। और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।